हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो रियल लाइफ में जिनका किरदार निभाकर शाहरुख खान ने खूब तारीफें बटोरी, वो रियल लाइफ हीरो मीर रंजन नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नमस्ते भारत में, बहुत बहुत स्वागत है नेगी साहब आपका। बहुत दुख पहुंचता होगा ना कि आपने इतनी मेहनत की, इस मुकाम तक आप पहुंचे और आज इसी मुकाम तक आप दूसरे युवा खिलाड़ियों को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन खेल के लिए मैदान ही नहीं आपके पास। यकीनन इंदौर ने स्वच्छता का चौका लगाया और खेल की नगरी कहने के बावजूद कहीं न कहीं खेलों में सिवाय क्रिकेट के वो पिछड़ता चला गया। सारी सुविधाएं हैं तो दूसरे खेलों की, फिर भी सुविधाएं हैं, टेनिस स्टेडियम जैसा है पूरा, पूरी इनकी एकेडमीज हैं सारे के सारे, बैडमिंटन की भी फिर भी थोड़ी बहुत हैं, लेकिन क्रिकेट का एक मैदान नहीं है। और भोपाल में 4 एस्ट्रोटर्फ हैं, ग्वालियर में 4 एस्ट्रोटर्फ हैं, उमरिया, बालाघाट, छोटी छोटी जगह आप जाएंगे ना वहां पर भी एस्ट्रोटर्फ है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल जो है मध्य प्रदेश की, वहां जो है एक भी एस्ट्रोटर्फ नहीं है। और ये बच्चे जो है रंजन जी, क्या आपने जब सरकार को अप्रोच किया हॉकी एस्ट्रोटर्फ वाले स्टेडियम के लिए या मैदान के लिए, तो क्या उन्होंने, सरकार ने आपको ग्वालियर या भोपाल का विकल्प दिया या आप चाहते हैं कि इंदौर में ही आपको ऐसा मैदान मिले? सरकार ने एक एस्ट्रोटर्फ मंजूर कराया भी तो वो राऊ में कराया, राऊ यहाँ से करीब 23-24 किलोमीटर दूर है जी। और जो बच्चे हॉकी खेलते हैं वो बेसिकली एक मध्यम परिवार से या गरीब तबके से आते हैं और उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 23-24 किलोमीटर रोज ट्रेवल करके जाएं। तो वो जो मैदान है राऊ का, वहां पर मुझे नहीं लगता कि इंदौर का कोई बच्चा जाके हॉकी कभी खेलेगा, कोई टूर्नामेंट हो तो ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि इंदौर में एक एस्ट्रोटर्फ लगे। इंदौर में बहुत सारी जगह है अभी भी खाली पड़ी है। एक मैदान था हमारा 70-80 साल से जहां पर हॉकी चल रही थी, और वो मैदान जहां से बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने वहां पर आके अपना योगदान दिया जी। और वो हमसे छीन लिया गया और वहां पर कचड़े का वो बनाया गया, उसको और कहीं भी बना सकते थे। मतलब जो स्पोर्ट्स आज हिंदुस्तान में, जो दूसरे स्पोर्ट्स मैं कह रहा हूं, वो उनकी वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पीछे कहीं ना कहीं है। और अगर हमें एक स्वच्छ भारत का, हमें एक अच्छे भारत का निर्माण करना है, हेल्दी नेशन का निर्माण करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि खेलों को भी वो तवज्जो मिलना चाहिए जो दूसरी चीजों को मिलती है। हम फिर मेडल क्यों नहीं ला पाते, ये सवाल बेमानी हो जाता है। मीरंजन नेगी जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आप। आपने जो ये कुमाऊनी टोपी पहनी है ये उत्तराखंडियों की पहचान है, लेकिन ये आपकी कर्मभूमि है, इसलिए आपने देखिए यहीं पर आकर काम करने की जोर आजमाइश की। खबर ये भी है कि आप खेल मंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? अगर जिस समय मैं आया ना तब तक ये ग्राउंड छिन चुका था एक्चुअली, नहीं तो यकीन मानना मैं भूख हड़ताल करता था, फास्ट अनटू डेथ मैं होने नहीं देता था किसी भी कीमत पर। लेकिन उसके पहले भी हम लोगों ने सीएम साहब को ज्ञापन दिया था, हमारे सारे के सारे लोग गए थे। यहाँ से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो 7-8 मिनिस्टर जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के इसी मैदान से निकले हैं, और यहाँ और पास में जो डेली कॉलेज है वहां पर हॉकी खेल के हमारे जो गुरु हैं हॉकी के, अशोक यादव, उन्होंने बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स को तैयार किया जो आज मंत्री हैं। लेकिन जहां तक सुविधाओं का सवाल आता है, जब खेलों का सवाल आता है, तो कहीं ना कहीं एक टीस से उठती है मन के अंदर कि मुझे भी एक एस्ट्रोटर्फ मिले इंदौर में। और यकीन मानना कि आज भी इंदौर में हम लोग यहाँ से, हमारे बच्चे जो हैं ये सड़क पे हॉकी खेलकर भारतीय हॉकी के दरवाजे खटखटा रहे, इंडियन टीम में अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब उनको वो फैसिलिटीज मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, तो क्यों नहीं। और मैं पूरी की पूरी फैसिलिटीज जो है, मैं कहता हूँ मैं पूरा अपना ध्यान, अपनी सारी की सारी मेहनत जो है बिना एक पैसा चार्ज किए करूंगा। देखिए बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप पैसा नहीं लेंगे लेकिन खिलाड़ियों को ट्रेन करेंगे, तो फिर इसमें सवाल यही उठता है ब्रजेश, क्योंकि आप लगातार इस मामले पर नजर बनाए कि इतना बड़ा कैसे चैलेंज हो गया, एक मैदान नहीं अवेलेबल करा पा रही है सरकार और प्रशासन वहां पर, इतना क्या मुश्किल हो गया, और पहले से मौजूदा मैदान को आपने कूड़ा घर बना दिया। निश्चित ही दुर्भाग्य है दौर शहर का, और एक बड़ा ये चीज लापरवाही बता रही है प्रशासन की, कोविड के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है बिना किसी और की परवाह किए। एक अच्छे खासे हॉकी ग्राउंड को कचरा घर बना दिया गया बजाय
किसी और जगह को वो लोग चुन लेते, मगर ऐसा नहीं किया, इन खिलाड़ियों से उनका हक छीन लिया। जबकि इंदौर वो शहर है जहाँ खेलों की परंपरा है, यहाँ चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे हॉकी हो, हर जगह के बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं और लोग यहाँ खेलों को बहुत पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि कहा जाने की 25 किलोमीटर दूर एक स्टेडियम है, वहाँ जाके खेला जाए, वहाँ जाके प्रैक्टिस की जाए। इस शहर में जब छोटे छोटे ग्राउंड हैं और ग्राउंड को जिस तरीके से छीना जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि प्रशासन अब भी भरोसा दिला रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में एक छोटा ग्राउंड तैयार कर दिया जाएगा, मगर वो कब होगा, प्रशासन के वायदों पर भरोसा आजकल बहुत कम होता है। और वही ये सारे छोटे बच्चे और इतना बड़ा 25 किलोमीटर दूर ग्राउंड पर खेलना तो ठीक है, वो तो समझ में आता है कि आपने दे दिया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि शहर के बीचों बीच जहां पर खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे उस मैदान को आपने कोविड काल में कूड़ा घर बना दिया? देखिए, एक इंदौर में एक जो है कि इंदौर को साफ स्वच्छ बनाने का एक जो अभियान चला हुआ वो अच्छी बात है, मगर उसके तहत जो दूसरे और चीज़ों को दबाया जा रहा है और जिस तरीके से जातियां की जा रही है, उस जाति का प्रतीक है। कई बहुत सारे वीडियो हम लोगों के सामने ऐसे आते हैं जिसमें नगर निगम के लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं होते और जातियां करते हैं प्रशासन पर। ये भी एक तरीके की जाति है कि एक अच्छे खासे ग्राउंड पर जहां रोज शाम को सुबह आके बच्चे प्रैक्टिस करते थे, उसको अचानक कच्चा घर बना दिया गया बजाय कुछ दूसरी व्यवस्था करने के। तो एक 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 अभियान अच्छा है, इंदौर स्वच्छ बने, साफ सुथरा बने, हम सब चाहते हैं, मगर किसी का हक छीन के ना बने, यही प्रशासन से गुजारिश है। और यही हम लोग और ये सारे जो छोटे बच्चे हैं और इतना बड़े कोच साहब हैं, वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि बच्चों का हक मत छीनो, एक छोटा सा ग्राउंड दो, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी हमेशा से निकलते रहे हैं। बिल्कुल, लगातार ब्रजेश आप हमारे साथ बने हुए हैं, खुद नेगी जी हमारे साथ बने हुए। नेगी जी, आपने खुद बताया कि 20-22 साल से उस मैदान में बच्चे हॉकी खेल रहे हैं और जबरदस्त खेल रहे हैं, तो ये तो ऐतिहासिक मैदान है, प्रदेश में एक ऐतिहासिक मैदान जहां से खिलाड़ी निकल रहे हैं, उसे कूड़ा घर बना देना, आपको नहीं लगता कि प्रदेश की खेल को लेकर कूड़ावादी सोच का प्रतीक है? बीस पच्चीस साल से नहीं, 70-80 साल से वो मैदान था, 70-80 साल से। और उस पूरे इलाके में वो रेडियो कॉलोनी है, आजाद नगर है, इधर की तरफ प्रकाश नगर है, उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही मैदान था जहां पर सारे बच्चे जाके खेलते थे। वहां पर लोग फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, मतलब दिन भर वहां पर वो खेला करते थे। लेकिन उस मैदान को जो 70-80 साल से था, एडमिनिस्ट्रेशन ने छीन लिया और किसी को कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला। क्या मजबूरी रही, क्या रहा, हम समझ भी नहीं पाए। और उसके पहले ये सब कुछ हो गया और वहां पर अब जाके देखते हैं तो बहुत खराब सा लगता है, क्योंकि अब अगर खेलने के लिए हमें कोई मैदान मिलेगा भी तो हमें बहुत दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इंदौर में सिर्फ दो जगह है जहाँ पर नेगी जी हमारा यही था, दोनों जगह आपकी आवाज पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, खेल मंत्री तक पहुंचे और आपको खेल के लिए मैदान मिले, क्योंकि जितना स्वच्छता से प्यार है उतना ही स्वास्थ्य से भी होना जरूरी है।